सो द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे जो एक दो नहीं 30-35 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानते हैं। वो ओल्ड एज हो चुके हैं और पूरा जीवन उन्होंने डेरा सच्चा सौदा संस्था में गुजारा है। उन्हीं के साथ बातचीत करके दिखाएंगे कि उनका कैसा अनुभव रहा है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ, वहां पर जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा कैसी है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के बारे में इनका क्या कहना है, तमाम सवाल बातचीत करके इनसे जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? शिंदर कौर। शिंदर कौर जी, कितने सालों से आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानती हैं? मैं 35 साल तो वैसे ही हो गए, शायद बाद ही हो गए होंगे, मेरे को इतना पता नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। काफी लंबे समय से आ रहे हो। मैम कैसा लगता है आपको माहौल? मेरे को तो माहौल बहुत अच्छा लगा। अभी हम तो उधर ही पंजाब में रहते थे, इधर आके रहने लगे सारे। पंजाब? पंजाब से हो आप? पंजाब से सब बच्चे भी पढ़ने इधर ही लगाए हमने, बड़े असी सेवा से आते सी, बहुत ज्यादा सेवे में आते सी। फिर तोड़े परिवार दियां पूरियां कुड़ियां वगैरह सारा परिवार पूरा जांदा है? बच्चे तीन ही इधर ही है साडे, सारे डेरे जांदे हां जी। तीन मुंडे आ, दो मेरे, तीन कुड़ी आ। विश्वास किन्ना करदे गुरु जी? विश्वास बहुत करदे हैं। माता पिता जी नूं कहने जल्द से जल्द पिता जी दा ना अपनी मर्जी से बोलो या कोई दबाव आपके ऊपर बनाया गया? कोई प्रेशर? कोई दबाव नहीं है, हमको कौन दबाएगा? अपनी मर्जी से बोल रहे हो आप? हाँ, अपनों तो इतना विश्वास बना हुआ, हमको तो इतने गरीब थे ना, इतने गरीब थे पूछो ना कुछ भी, हमको तो साइकिल भी नहीं थी। अब बच्चे जो स्कूल में जाते थे या पढ़ने जाते थे, काम उनका पापा गुजर गया, उस तो बाद हम सब ही डेरे में लग गए। पापा गुजरने से बाद उन्होंने सब ने एक ही लाइन पकड़ ली। संत जी ने काम क्या किए हैं समाज के? काम तो इतने किए कोई पूछो ही ना, तो उतना तो हमको याद भी नहीं आते भी इतने पिताजी ने काम किए हुए हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी समाज को। हाँ जी, बहुत ज्यादा जरूरत है। हम की मांग करोगे सरकार? तो दिन दिहाड़े कहते हैं भी कब पिताजी आए, कब पिताजी आए, ऐसे तो बस। दोस्तों आप देख सकते हो कि जनता है जो इनका कहना है कि हम अपनी मर्जी से हम यहाँ पर आकर बोल रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि 30-35 सालों से ये डेरा सच्चा सौदा संस्था में जा रहे हैं, इनकी फैमिली जा रही है, इनके घर से लड़कियां जा रही है। जो इन्होंने देखा, इन्होंने महसूस किया है वो बिल्कुल ऑपोजिट है जो मीडिया में दिखाया गया। इनका कहना है संत जी को बदनाम किया जा रहा है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज द फैक्ट टाइप के साथ, और इस सच को, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।